हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अवर न्यू ब्लॉग। तो मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग, और इस ब्लॉग में हम लोग आज कर रहे हैं घर की सफाई, क्योंकि दिवाली नज़दीक है और तो हम लोग सफाई करेंगे। तो सफाई की मैं आज वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर में बिल्ली के बच्चे हुए हैं, वो कम से कम एक दो हफ्ता हो गया उन्हें, उनकी आँखें भी खुल गई। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। ये बहुत क्यूट क्यूट से है। इनकी मम्मी एक बच्चे को लेके गई है, अभी आंखें खुल गई है इनकी, और शायद वो अभी दूसरी जगह ले जाएगी इनको। कितने क्यूट से हैं छोटे छोटे। तो देखे होंगे आपने छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट से बहुत सुंदर हो रखे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सामान भरा हुआ है यहाँ, पूरा गोदाम भरा हुआ है। थोड़ा सा स्टोर रूम बनाया हुआ था हम लोगों ने, ठंड होके पूरा रजाई गद्दे हैं इसमें। ठंडों की पूरी तैयारी चल रही है, अभी दिवाली वजह से सफाई तो कर रहे हम लोग। कितनी रजाई है गद्दे, देखो ये पूरे ऊपर से निकाले मैंने स्टोर रूम से। ये छोटा सा हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये गर्मियां आते ही ठंड का पूरा रजाई गद्दे हम लोग ऊपर। दिवाली की सफाई करते करते बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो चीजें अनएक्सपेक्टेड हो, कि बहुत पुरानी पुरानी चीजें मिल रही है ये सब से। तो पापा की मैं एक बार लेने वाला स्लीपिंग बैग, ये पापा का ये स्लीपिंग बैग मिला है मुझे, अभी पापा ने रखा हुआ था। और पापा जैसे कि पापा आर्मी में है तो आर्मी वालों के पास तो होता ही है, तो ये अभी मुझे मिल गया। मैंने कहा ये बढ़िया सही आइटम है, हल्का सा भी है, और ये स्लीपिंग बैग मार्केट से लेने से अच्छा ये लेके ना जाऊँ मैं, बढ़िया है। अगर जंगलों में कभी कैंपिंग के लिए जाए तो उसके लिए ये बढ़िया आइटम है। ये सामान तो पूरा निकल चुका है, इसको अभी छत में पहुंचाना है, धूप लगानी है इनमें। ये पूरे पर्दे निकाल दिए हैं, यहाँ नीचे रखे हुए हैं। और थोड़ा मैं जब हमारा घर लग रहा था, थोड़ा लेबर मिस्त्रियों को देख के ना मैंने भी काम करना सीख लिया था। तो ये छोटी पुट्टी उट्टी लगाना, ये देखिए पुट्टी की हुई है मैंने घर पर। ये दिवाली के टाइम पर मैं हर साल करता हूँ। ये पूरी दीवार पपड़ी जम गई थी, तो पूरी दीवार में मैंने ये व्हाइट सीमेंट लगाया हुआ है। कहीं पर भी छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसमें कीड़े वीड़े आ जाते हैं बरसात के टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर, नहीं जाड़ों के टाइम पे तो नहीं आते हैं, गर्मियों में बहुत आते हैं। तो उस वजह से मैंने पुट्टी उट्टी लगाई हुई है। ये देखो यहाँ पर पूरा उखड़ गया था, ये देखो यहाँ पर अभी इसमें फिर पुताई भी करनी है, वो पुताई भी मैं ही करूँगा। जलवा है हमारा गई आई नहीं रही है। ये देखो बंच कितना बन गया है यार, भयंकर। वो अपना रूम ढूंढने गई है रेंट का दूसरा। ये इन्हें ज्यादा ही परेशान कर दिया, हालत खराब हो गई यार, इतनी तपती धूप लग रही है। ये फिर मेरे पैरों में आएगा। हाँ कुछ अच्छे से साफ कर लेना इसको ना। ये स्टोर रूम है हमारा, अभी इसकी भी सफाई करनी है। आज का पूरा संडे दिवाली की सफाई में। ये पूरा साफ सफाई मैंने ही करना है। ये खुशबू तो खाली सपोर्टिंग एंड है, ये फास्ट है। ये टेंट बिछा दिया हम लोगों ने, अब देखो बढ़िया जगह बन गई है। रेलिंग में भी कपड़े डाल दिए हैं, ये पूरी रेलिंग भर दी है। ता खपड़े सुपारने वाले वायर में तार में भी डाल दी, यहाँ पूरी रेलिंग भर दी। ये टेंट देखो पूरा भर गया है, और ये बिल्ली की फिर वही कहानी है, दो बच्चों को छोड़ के भाग गई हो। ये बिल्ली आ गई है, अब देखो ये अपने बच्चों को कैसे लेके जाती है। ले जा, कुछ नहीं कर रहे है, वीडियो से क्यों शर्मा रही है। चलो ठीक है लेके जा, मैं नहीं देख रहा हूँ। ये देखो लेके चले गए, ये देखो 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 देखो
वो देखो भाई यहाँ लेके चली गई है तो अच्छा ट्रांसफर कर दिया इसने। अभी एक बच गया बेचारा यार, ये इसको देख के दया आ रही है मुझे। ये देखो मेरे कपड़े लास्ट बचे हुए हैं, ये धुलने बाकी हैं और बाकी रूम पूरा खाली हो चुका है। अभी हमारा सारा रूम खाली कर दिया इन्होंने। हाँ अभी बाहर छत दिखाऊंगी तो आप लोग डर जाओगे। छत क्या लिए हो गया देखो, अभी हमने सब समेटना है थोड़ी देर बाद। कपड़े सूख गए मेरे सारे, अभी तो इनमें से निकालने भी है। अभी तो हम ये बक्से खोलेंगे तो तब दिखाएंगे आप लोगों को इसमें। अब साबुन से धुलाई हो रही है रूम की। नीचे तो उतार दो उसको। मैं कैसे उतारूं, मुझे डर लगती है बिल्लियों से, ये जानवर की बिल्ली है। अरे है यार, दे दो को बच्चा को ऊपर ऐसे। जिंदा तो है ना? हाँ ले जाओगे। अरे इसको बच्चे को रख दो ऊपर, ले आएगी अपनी आप। लो फिर रख दो उसको ऐसे। नहीं अरे ऐसे नहीं, बच्चे को उठा के रखना था। ले ले म्याऊ ले, ऐसे बुलाओ। आओ ये ले, ये ले। ले गया ये, ले गया ले गया ले गया। कहाँ है, हुआ है? चलो फाइनली चारों बच्चे गए अपने 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 घर। हम भी फ्री, खाली हुआ, हम भी फ्री। डर डर के कर रहे थे ताकि बच्चे पैर में ना आ जाए, बच्चों को वो ना हो जाए। बच्चे बेचारे छोटे से बड़ा परेशान कर रहे हैं बच्चों ने। ये देखो ये हमारा है इलेक्ट्रिक आइटम और बर्तन वर्तन है इसमें थोड़े बहुत, तो ये दिवाली में काफी काम आते हैं लड़िया लगाने के। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान इसी के अंदर पड़ा हुआ है। और दिवाली भी आने वाली है, दो हफ्ते बाद तो दिवाली है तो चाहिएगा तभी हमें। डिश टीवी हुआ करता था वो भी है। ये है हमारी लड़िया सारे के सारे, देखो बचा के रखी हुई है हमने। हर साल लगाने के लिए नया नया खरीदना तो पड़ता ही है, कुछ ना कुछ चाइनीज माल है तो कुछ ना कुछ तो डैमेज हो ही जाता है। और इधर पूजा पाठ होती है तो सब ये चीजें निकलती हैं, घर पे ज्यादा मेहमान आ जाए तो। ये भी पूरे वायर वायर है, तार वार उनको चाहिए रहते हैं, थोड़ी हवा लगा देते हैं। ये बर्तन तो बर्तन ये सारे हमारे वहाँ पुराने वहाँ घर के हैं, पापा ने बहुत बर्तन जोड़े हुए हैं। अच्छा तो ये सामान तो ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का देख लो एक बार। एक चीज दिखाता हूँ आपको, चलो पीछे पीछे लेके जाओ, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो आप खुकरा, देखो खुकरी असम राखल की है भाई। हमारे पास खुकरिया जरूर पड़ेंगी, इतनी सारी मिलेंगी ना, अभी तो एक ही पहली है। जबरदस्त खोपड़ी है ये, इसमें चादरें हैं। ये तुम्हारे इतने चादरें हैं, तुम बोलते चादरें नहीं है। अरे ये चादरें ये कभी कभी यूज होती है ना, टावल है, टावल चादर। हाँ इसको ऐसे फैला दो, एक काम करो बताऊँ क्या करो, इसको एक काम करो मैं बताती हूँ। इसको उठाओ, इसमें इसमें से उठा के नीचे रखो, इसके दोनों तरफ वो कर दो, दोनों तरफ को कपड़ों डाल कपड़े फैला दो ऐसे। हाँ पूरा खोलो उसको, लेटा दो ना तब जाके सही बैठेगा वो। ऐसे होंगे शायद मेरे ख्याल से, वो आर्मी वाले कपड़े। ये देखो आर्मी वाले आगे ड्रेस है वहाँ की, यूनिफॉर्म में पापा ये सर। ये है पापा की कैप, पहन के दिखाओ एक बार जरा। मैं तो चोर जा रहा पापा पे सूट करती है। हाँ ये आर्मी ड्रेस पापा की, ये देखो सारी ड्रेसेस है, स्वेटर है। हल्का हल्का इसको निकाल के ऐसी जैसे उस चादर को रखा ना वैसी रख दो इसको भी ऐसी। हाँ ये देखो पापा की ड्रेस है प्रॉपर। और इसमें भी आपको एक अच्छी चीज दिखाऊं, खुकरी। खुकरी तो हमारी हर जगह से निकलती है, हर जगह से निकलेगी। नीचे भी दी कितनी बच के रहना आप लोग, क्यों बच के रहना मतलब घर पे भाई हमारे तकिए के नीचे भी रख लेते हैं हम कभी कभी, कभी कभी के रहती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, हल्का हल्का ऐसे फैला दो उसको। हाँ तो असम राइफल के जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उस ड्रेस में भी यहाँ पर ना दो खुकरियां बनी हुई है। इस वाले ड्रेस में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये वाले में इसमें देखो, ये वाले में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये देखो मैंने सारे निकाल रखे, देखो कपड़े आज सारे धो रखे मैंने। ये देखो मम्मी का,
ये इसमें मम्मी के सामान है। अभी ये चुनरी कैसी है? ये वाली है, लाल वाली। अरे वो ना, ये माता वाली चुननी है। ये मुझे उसमें चाहिएगी दिवाली के दिन। ये भी निकालना है दिवाली के दिन? हाँ निकालना है। हाँ निकालो। मम्मी ये कपड़े तो सुखाओ थोड़ा बाहर, क्योंकि ये मम्मी के डेली यूज पहनने वाले है ना, थोड़ा कभी कभी जैसे मम्मी पहनती है तो। ये मम्मी का खजाना है, मम्मी पहनती नहीं। इसमें मम्मी की जैकेट है, गर्मी वाली जैकेट है। ये मैं इसी में लग देता हूँ। नहीं नहीं थोड़ा नीचे भी फैलाओ ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मत फैलाओ, उस टेंट में ही फैलाओ। ये ऐसे फैला दो। ये स्वेटर वेटर है, थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे फैलाओ। हम मम्मी के पास सबसे ज्यादा अच्छी लगती, मम्मी के पास ढेर है यहाँ, जिसको अच्छी नहीं लगती उसी के पास ढेर है। गजब बेइज्जती है। अब ये निकला है पापा का सूट के, जिसमें पापा के गर्म कपड़े हैं। स्वेटर वेटर थोड़ा निकाल दो बाहर, थोड़ा इधर साइड डाल दो ऐसे, हाँ ऐसे, ताकि ये सूख जाए। थोड़ा रखने के लिए दिक्कत होगी इसके ऊपर। कपूर आएगी, कपूर हम आपके पास होगा, नीचे हम डाल देंगे। हमारे कपड़ों का ढेर देखो, कपड़ों का मेला लग गया है, मेला। ओ भाई देखो, फिर अभी हमने सब समेटने भी है, कैसे समेटेंगे इनको, तो सारे रजाइयां हैं इधर। ये थक गए बेचारे सी, बहुत दया दया आ गई मुझे, दया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यहाँ पे हमारे वहाँ पे बड़ी अच्छी हवा चलती है, इससे ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से। ये बंदरिया ऊपर चढ़ गई। अबे यार साफ सफाई करने को सही से कर देते ना, मतलब साफ सफाई करके यहाँ पे फिर हम रजाइयाँ रख देंगे ना, इसके अंदर टाइम बार बार करने की जरूरत ही पड़ेगी। फिर वैसे बार बार ये होता भी कहाँ है, फिर दिवाली के टाइम पे होता है। एकदम आराम से उतरना, उसमें खिड़कियाँ टूटेंगी। खिड़कियाँ टूटेंगी ये नहीं, मेरे को उतरू कैसे, ये हो रही है। उल्टे उल्टे उल्टा करके उतरो। उल्टा उनकी सफाई हो गई, पर्दे सूख गए मेरे। अब पर्दे में टांग भी देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि फिर टांग नहीं टांगो तो पर्दे कैसे हो जाते हैं एकदम गंदे से। इसलिए टांग दिए, फिर और काम भी बाकी पड़ा हुआ है हमारा। इसमें गद्दे रखने हैं ऊपर, उसमें गद्दे रखने हैं वापस, काम बहुत है भाई, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी तो मैं कर दूंगा, मम्मी को मैंने हुक दिया था, वो कहाँ है? मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी ने रखा, मुझे भी नहीं पता। मम्मी ये कहाँ के हैं? ये दो यहाँ के हैं, बाहर वाले के, इधर वाले के। अच्छा इसका तो ये इसमें है ना, इसको तो एक ही चाहिए। इसका तो एक ही है, जहाँ जहाँ पे सीलन आ रही है वहाँ वहाँ पे हमने पुट्टी करने के बाद ये थोड़ा कलर कर देता हूँ, मैं सही हो जाएगा। ऊपर से गद्दे सुखा दिए हमने सब, यहाँ पे ढेर लगा दिए है ये, और शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम लोग ऊपर से फेंक, मैं इनसे फेंकवा रही हूँ। मैंने कहा उतने राउंड लग जाएंगे, हम खाली थक जाएंगे। अब इनको देखो फेंकेंगे नीचे, जैसे अच्छा ये कहीं में था है? ये खाली है, वो खाली है, होगा थोड़ा तो नहीं है। इन दोनों को दो दो सूटकेस में डाल दो। सुबह से काम करते करते हालत ख़राब हो गई, फाइनली हम लोगों ने लगभग तो कर ही लिया है। अब सारे सिर्फ पैक करना है, जो ये पूरा खुला हुआ था, ये दुकान खोल के बैठ रखी है पीछे, जो ये सब पैक करना है अभी हम लोगों ने। और ये देखो बक्सों के हाल बड़े बेहाल हुए हैं, पेंट नहीं किया हुआ ना किसी में, जब से ये लाए हैं पापा तब से एक बार पेंट नहीं हुआ है इसमें। अब करेंगे तब करेंगे, ये चक्कर में अब तो मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है, ये तो मैं ही कर देता। तो मैंने कहा छोड़ो यार, अभी फिर अगले साल देखेंगे इसको, अभी इस साल के लिए इतना बहुत है। सब कपड़ों में धूप लगा दी है, चिट चिपका दिए हैं, कौन सा क्या है, क्योंकि बक्से बहुत सारे हैं और जब कोई सामान टूटना होता है ना, वो सामान कभी नहीं मिलता, वो तो सबके घर पे होता होगा ऐसा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये अब हम लोग ना पैकिंग कर रहे हैं, फाइनल पैकिंग है। और तो आपको क्या लगता है कि वीडियो ये एंड करनी चाहिए, है ना? तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दिवाली की साफ सफाई अगर आप लोग कर रहे हैं तो हमसे थोड़ा टिप्स ले सकते हैं।
मतलब ऐसे ही ना। अच्छा हमको सिखा रहा है? और बोली मजाक कर रहा हूँ, बस ये है कि दिवाली में हमारे होता ही है, हर कोई दिवाली की साफ सफाई करता है, तो काफी दो तीन हफ्ते से लगे हुए थे हम लोग, और फाइनली अब जाके जो है कि दिवाली की साफ सफाई पूरी तरीके से अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमारा रूम बचा हुआ है, वो नेक्स्ट संडे करेंगे। मैंने कहा आज के लिए इतना बहुत है, ऑलमोस्ट बाकी सारा कुछ हो गया है, और हाँ तो सिर्फ हमारा रूम बचा हुआ है, तो उस रूम को नेक्स्ट संडे करेंगे। और ये ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ना एक नई लोकेशन पे लेके जाऊंगा, एक अच्छी लोकेशन पे, तो ब्लॉग को देखते रहिए, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हमने सब साफ़ कर दिया है, ये जाएगा स्टोर में, ये सारा सामान हमने एडजस्ट कर दिया है, ये कूड़ा है इसको फेंक देंगे हम बाद में, और ये देखो हमने सारा सामान वापस सही से एडजस्ट कर दिया है। इनको मैंने बैठाया, चाबी सही से कल जो सही यूज़ हो रही है उसको रख दो, बाकी हटा दो। ये देखो बाकी हमने छत देखो कैसा करा था, और अभी कैसा लग रहा है, पूरा साफ़ कर दिया हमने, क्लीन।